जीवन में कई तरह की परेशानी आती हैं, जिन्हें अपनी सूझबूझ से कुछ समय के लिए हम खत्म कर देते हैं, लेकिन वास्तव में वो परेशानियां कभी जड़ से खत्म नहीं हो पाती और यही वजह है कि आए दिन हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। पर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जो हर तरह की प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंक देगी। तो चलिए अपने एस्ट्रोलॉजर से जानते हैं वो टिप्स। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जिस तरह ज्योतिष में नौ ग्रहों की महत्ता है और ये ग्रह हमारे जीवन पर, देशकाल पर, वनस्पतियों पर, धरती पर असर करते हैं और हमें अपनी दशाओं के दौरान ये ग्रह अच्छे और बुरे फल प्रदान करते हैं, हमारे लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलते हैं, उसी तरह मैं आज की पोस्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र में नौ ऐसे शानदार उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप तरक्की और समृद्धि से स्वयं साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने भीतर नई ऊर्जा भर सकते हैं, अपने जीवन को और खुशगवार बना सकते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये उपाय बेहद आसान और बेहद कारगर हैं। इन उपायों के करने से एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर बढ़ती है, हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये जो नौ उपाय हैं, मैं क्रमवार आपको नौ के नौ उपाय बताऊँगा। सबसे पहला उपाय है स्वास्तिक चिन्ह का। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक का विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे और उनका मानना था कि इससे घर में सौभाग्य में और समृद्धि में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 9 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए स्वास्तिक का यह चिन्ह, और मेन गेट के ऊपर ये चिन्ह बनाए जाने से रोग और शोक में यानी दुख में कमी आती है, चिंताओं का निवारण होने लगता है। तो ये पहला उपाय था स्वास्तिक का चिन्ह बनाने का। और अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। अगर हम अपने घर के जो हमारे मेंबर हैं उनकी तरक्की चाहते हैं तो घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए जो हमारे घर का मेन गेट है उसके एक तरफ केले का वृक्ष और एक तरफ तुलसी का पौधा गमले में लगा दें, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा, सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। और जो तीसरा स्टीक व शानदार उपाय है, अगर आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है और मकान बनाने का योग नहीं बन रहा, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या कोई अन्य कारण हो, तो आप पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लाट में अनार का पौधा लगा दें, मकान बनने का योग बन जाएगा। चौथा वास्तुशास्त्र का उपाय है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है और किसी वास्तु विशेषज्ञ ने आपको उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में कुछ तोड़फोड़ करने की, कुछ नया निर्माण करने की, कुछ चीज़ें हटाने की सलाह दी है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मकान की छत पर एक बड़ा गोल शीशा यानी आईना इस तरह से लगाएं कि मकान की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई देती रहे। हमारे वास्तुशास्त्र में आईने को उत्प्रेरक बताया गया है, जिसके द्वारा भवन में तरंगित ऊर्जा का सुखद एहसास होता है। और ये उपाय असरदार भी है, आसान भी है, आसानी से किया जा सकता है। अब पांचवा उपाय, वो एक परहेज है, आपको अपने घर में भूलकर भी कभी टूटे हुए बर्तन या टूटी हुई खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही टूटी हुई खाट और टूटे हुए बर्तन रखने चाहिए। इससे आपको कोई फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग बनते हैं। तो अगर धन हानि बराबर हो रही हो तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके घर में कहीं टूटे बर्तन का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा या टूटी खाट ऐसे तो नहीं पड़ी हुई। अब मैं आपको छठा उपाय बताऊँगा। छठा उपाय भी बहुत ठीक है। हमारे घर में जो सबसे सात्विक जगह होती है, महत्वपूर्ण जगह होती है, शुद्ध जगह होती है, वो होती है हमारे घर का रसोई घर। जो हमारे घर की सुख समृद्धि है वो रसोई घर से झलकती है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर बना है तो उसके अग्नि कोण में बल्लभ लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्लभ को जला कर रखें। इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। अब सातवां जो वास्तु का उपाय है, सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन वास्तुशास्त्र में ये अजमाया हुआ नुस्खा है, ये कोई टोना टोटका नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर
किसी की बुरी नज़र लग गई है और नकारात्मक ऊर्जा घर में आ रही है, तो आपने घर के द्वार दोष और वैद्य दोष को दूर करने के लिए शंख या सीप मौली में बांधकर दरवाजे पर लटकानी है। बस इतना करना है और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर होने लगेगा। आठवां उपाय है वास्तु शास्त्र का। आपने अपने घर में जो पूजा स्थल बना रखा है वहाँ पर रोजाना आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपने घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह व शाम नियमित रूप से करें, घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। और नौवां व अंतिम वास्तुशास्त्र का जो शानदार उपाय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात करते हैं हम 9 नंबर के उपाय की। बहुत सिंपल सी बात है, वास्तुशास्त्र के मुताबिक आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगर आपने अपने घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दिन आपने पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने हैं। अगर वास्तुशास्त्र के ये 9 उपाय आप करेंगे और इन 9 उपायों को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि घर में किस तरह सकारात्मक एनर्जी आ रही है और किस तरह धीरे धीरे आप समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। आज की पोस्ट में इतना ही। अगर आप अपने घर में इन छोटे छोटे नुस्खों को अपना लेंगे तो निश्चित ही कुछ दिनों में ही हर चेहरे पर मुस्कान होगी और दुख का साया बिल्कुल दूर भाग जाएगा। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।